सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज कहानी जेठाणी दी समझदारी सुनांगे। इहो जिहीआं होर कहानियां सुनण दे लई चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। सीरत, इन्ना हंकार नहीं करीदा। जे तू अपनी जेठाणी नूं थोड़ी जिही इज्जत दे देवेंगी तां कुछ नहीं होवेगा। लोड़ पैण ते पैसा नहीं, चंगा विहार है जो काम आउंदा है। तारो हमेशा सीरत नूं समझाउंदी रहिंदी सी, पर सीरत नूं इस नाल कोई फर्क नहीं पिया। उस नूं बाहर जाके कमाई करन ते वड्डे घर दी धी होण दा बहुत मान सी, ते ओह प्रीत भाभी नूं नज़रअंदाज करदी सी। तारो दी वड्डी नूं प्रीत सुभाअ तों बहुत नेक सी। घर दी सारी जिम्मेवारी प्रीत दे मोढ़ियां ते ही सी। सोहरा नहीं सी उसदा, इसलिए गुरी ने विआह तों पहलां ही कह दित्ता सी, प्रीत मेरी मां तों वध के कोई नहीं है मेरे लई, तुसीं मेरी मां दी सेवा करनी है। बापू जी दे जान तों बाद मां ने बहुत मेहनत करके पालिया सानू, मेरे ते भरोसा करो, अज तों मेरी मां है। तुहानू जिंदगी विच कदी भी शिकायत दा मौका नहीं मिलेगा। ते प्रीत ने हुण तक अपना वादा निभाया सी। ते छोटी नूं सीरत आधुनिक विचारां वाली कुड़ी सी। गुरी दे छोटे भरा दीप ने जदों अपने नाल काम करन वाली कुड़ी सीरत नाल विआह करवाउण बारे घर कहा, तां सारिआं ने विआह लई हामी भर दित्ती। इस तरह दीप ते सीरत दा विआह हो गया। तारो सोचदी है कि भावें उसदा पति उन्हां नूं समें तों पहलां छड्ड गया सी, पर उसने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। दोवें बच्चे विआहे गए, हुण सब नूं इकट्ठे रहना चाहीदा है, होर की चाहीदा है। सीरत नूं अपने नौकरी करन ते बहुत मान सी, इसे लई ओह घर दा कोई काम नहीं सी करना चाहुंदी। तारो ने कई बार टोकिया, सीरत प्रीत सवेर तों रसोई विच इकल्ली काम कर रही है, उसदी थोड़ी मदद करिया कर। पर सीरत ठोक के जवाब दिंदी है, मैं भी सारा दिन दफ्तर विच काम करके थक जांदी हां, हुण मैं घर दा कोई काम नहीं कर सकदी। ते चुपचाप अपनी ते दीप दी रोटी लैके कमरे विच चली जांदी है। ते हर ऐतवार उन्हां दा बाहर घूमन जाण दा प्रोग्राम हुंदा। तारो नूं बहुत बुरा लगदा कि मेरी वड्डी नूं दीआं वी कुछ इच्छावां हन, गुरी नूं वी अपने कामकार तों वेल नहीं मिलदी। मां तुसीं फिकर ना करिया करो, मैं घर दा सारा काम कर लिया करांगी। सीरत दफ्तर भी काम करके थक जांदी है। ओह ठीक ही तां कहिंदी है, मैं तां घर ही रहिंदी हां, घर दा काम ते कर ही सकदी हां ना, प्रीत ने अपनी सस तारो नूं कहा। प्रीत नहीं चाहुंदी सी कि उसकी वजह नाल घर च झगड़ा हो जावे। तू बहुत भोली है प्रीत पुत्र, सीरत तेरी मासूमियत दा फायदा उठा रही है। कोई गल नहीं मां, जिवें चल रहा सब ठीक है, प्रीत ने तारो दा हथ फड़ के कहा। पर हद तां उदों होई जदों सीरत प्रीत नूं गल गल ते जवाब देण लग पई सी, ते प्रीत उसदे मूंह वल देखदी रह जांदी सी। सीरत परिवार विच सब नूं नाल लैके चलना चाहीदा, रब ना करे जे भविख विच कोई लोड़ पई तां अपना परिवार ही काम आंदा है, तारो ने कहा। मैनूं की लोड़ पवेगी इस नाल, जे कोई लोड़ पै भी गई तां मैं अपनी मां नूं बुला लवांगी, तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई जरूरत नहीं है, सीरत ने बड़े घमंड भरे लहजे नाल जवाब दिता। कुछ दिनों बाद सीरत दे प्रैगनेंट होने का पता लग्या। घर विच सारे बहुत खुश सन। हुण ते सीरत होर भी घमंडी हुंदी जा रही सी, क्योंकि प्रीत दे अजे कोई औलाद नहीं सी। हौली हौली डिलीवरी का भी समा नेड़े आ गया। सीरत ने अपनी मां नूं अपने कोल बुला लिया सी। पर कहिंदे ने ना, एक दिन घमंड सारियां दा टुटदा है। उधरों डिलीवरी दी तरीक सी ते दीप नूं दफ्तर दे काम लई विदेश जाना पै गया, ते सीरत दी मां नूं बहुत बुखार हो गया। अचानक रात नूं सीरत दे बहुत दर्द महसूस हुई, ते ओह रोंदी हुई तारो नूं कहन लगी, मम्मी जी लगदा है मैनूं हुणे हस्पताल जाना पएगा, मेरी मां नूं बहुत तेज बुखार है, तुसीं प्रीत भाभी नूं बुला दिओ। तारो ने कहा, आप जाके उहदे कमरे दे बाहर आवाज मार दे, मैं नहीं जाना। पर उदों तक प्रीत आवाज सुन के बाहर आ गई, ते सीरत नूं परेशान देख के कहन लगी, सीरत तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हस्पताल चलदी हाँ। गुरी ने गड्डी कड्डी ते जल्दी ही वह हस्पताल पहुंच गए।
प्रीत ने दीप नूं भी फोन करके हस्पताल होण दी खबर दे दित्ती। हस्पताल पहुंच के डॉक्टर ने ऑपरेशन लई कहा, तुसी इन्हां कागजां ते दस्तखत कर दिओ, खून दा भी इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, तुसी मेरा ब्लड ग्रुप चेक करो, प्रीत ने अगे हो के कहा। इत्तेफाक नाल उसदा खून सीरत दे खून नाल मेल हो गया। गुरी ने पेपरां ते दस्तखत कर दित्ते। थोड़ी ही देर बाद नर्स ने बच्चा होण दी वधाई दित्ती। वधाइयां होण, गुड़िया आई है। प्रीत ते गुरी बहुत खुश होए ते रब दा शुकराना कीता। सीरत नूं जदों होश आई ते ओह बहुत शर्मिंदा सी। दीदी, मैनूं माफ कर दिओ, शायद रब ने जान बुझ के ए स्थिति पैदा कीती सी, क्योंकि मैं बहुत ही हंकारी हो गई सी, हर गल ते तुहाडी बेइज्जती करदी सी। रब ने मेरा हंकार तोड़ दिता, पर मैनूं यकीन है तुसी अपनी छोटी भैन नूं जरूर माफ करोगे। एना कह के सीरत रोन लग पई। प्रीत ने सीरत नूं कलावे विच लिया ते कहन लगी, मैं तैनूं हमेशा अपनी छोटी भैन समझिया है, मैं कदे भी तेरी गल दा गुस्सा नहीं कीता। नाले हुण रोन दा नहीं, हसन दा समां है, मसां ते रब ने घड़ी लियांदी है। धन्नवाद दीदी, सीरत ने कहा। फिर प्रीत गुरी नूं कहंदी है, तुसी मम्मी जी नूं ते दीप नूं भी फोन करके दस दिओ खुशखबरी बारे। ते प्रीत आप छोटी परी नाल खेडन लग पई। ए सी दोस्तो अज दी कहानी। कहानी बारे तुहाडे जो भी विचार होन, तुसी कमेंट बॉक्स विच जरूर लिखो। फिर मिलदे हां दोस्तो किसी नवी कहानी दे नाल। तद तक लई रब रखा।